बढ़ेंगे आगे। यूपी में इन दिनों लर्निंग डीएल बनवाना आईएएस की परीक्षा से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लाखों युवकों का डीएल ना बन पाने से लोग बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह के 100% ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद से ये दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालत ये है कि साइबर कैफे बिचौलियों के अड्डे बन गए हैं। लाइसेंस की फीस से 3 गुना लर्निंग टेस्ट पास कराने के लिए फीस वसूली जा रही है। इसके अलावा लाखों आवेदकों को जहां ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं करीब 60 से 70% लोग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। आरटीओ अधिकारी रामवीर द्विवेदी ने बताया कि दरअसल लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन होने से आरटीओ ऑफिस का उसमें कोई दखल नहीं है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में रोजाना करीब 390 लोग परमानेंट लाइसेंस का टेस्ट दे रहे हैं। लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस फेसलेस कर दिया गया है और वो आधार ऑथेंटिकेशन है उसमें, तो लोग घर में ही अपने बैठ करके उसको फॉर्म भर के और ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है उसमें, तो ऑनलाइन टेस्ट दे के लर्निंग लाइसेंस, और जैसे ही वो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट वो घर में पूरा करते हैं वैसे ही उनको रिजल्ट मिल जाता है कि उन्होंने उसको टेस्ट को पास किया या फेल किया। अगर पास हो गए हैं तो वो वहीं पे उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। परमानेंट जो हमारा स्थायी लाइसेंस है उसमें कोई यहाँ पे कार्यालय से जारी किया जा रहा है और उसमें जो भी लोग आ रहे हैं उनको उनका टेस्ट लिया जा रहा है और टेस्ट में जो भी हमारे आरआई हैं वो टेस्ट में जो पास हो रहे हैं उनको परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया जा रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट लाइसेंस में सबको स्लॉट सेम डे का या अगले दिन का मिल जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे लाइसेंस इसके अलावा हैं, डुप्लीकेट हैं या रिन्यूअल है, उसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डुप्लीकेट लाइसेंस में भी स्लॉट जो है सेम डे का मिल रहा है या अगले दिन का मिल जाता है। आईएएस की परीक्षा पास करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस समय यूपी में लर्निंग लाइसेंस बनवाना बहुत मुश्किल है। हजारों लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। गांव देहात के लोगों के लिए लाइसेंस बनवाना तो इतना कठिन है कि उनके पास ना साइबर कैफे है ना वहां पर टेस्ट देने को इंतजाम है। इस समय मैं लखनऊ के आरटीओ ऑफिस में खड़ा हूं, जहां सैकड़ों लोग लर्निंग लाइसेंस न बन पाने की दिक्कतों से जूझते हुए और शिकायत लेकर के परेशान घूम रहे हैं। जहां तक लर्निंग लाइसेंस सिस्टम की बात है, यूपी गवर्नमेंट ने 100% ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। उसके बाद से अब लोगों के लाइसेंस बनने 60% 70% लोग फेल होते जा रहे हैं। शहर में तो भी साइबर कैफे धंधा चल रहा है, वहाँ पर 3 गुने 4 गुने पैसों में लाइसेंस फीस से ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग लाइसेंस बनवाने के नाम पर साइबर कैफे पर दलालों और एजेंटों के जाल में फंस रहे हैं। यूपी में परिवहन राज्य मंत्री ने भी यहाँ तक आज साफ कह दिया कि लर्निंग लाइसेंस की व्यवस्था 100% ऑनलाइन रहेगी। ऐसी स्थिति में यूपी के हजारों लोगों को लाइसेंस बनवाने में आ रही दिक्कतें दूर होनी आसान नहीं लग रही हैं।